लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर में तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बता दें, केंद्र सरकार, सेना और स्थानीय प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें, पहला बदलाव राज्य से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाकर होगा। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दिए थे। वही दूसरा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, जमीनी स्तर पर इसकी रणनीति बनाई गई है। वही तीसरा, 30 सितंबर के पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराना, यानी सरकार की कमान स्थानीय लोगों के हाथ आ जाएगी। सबसे ज्यादा फोकस AFSPA हटाने पर है। इसके लिए सेना राज्य सशस्त्र पुलिस को एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए तैयार कर रही है। वही पुलिस के 1100 इंस्पेक्टरों को डोडा के बारला में सेना के बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें सेना की तरह खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण उन्हें साझा करने और इलाकों की घेराबंदी करना सिखाया जा रहा है।